नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। इस माह को त्योहारों का सीजन भी कहा जाता है। इस पूरे महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं। यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। पूरे महीने के हर एक दिन में कोई ना कोई त्योहार अपना विशेष महत्व रखता है। बता दें, 7 नवंबर को पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। उसके बाद भाई बहन के रिश्ते का पर्व यानी की भैया दूज भी इस साल 9 नवंबर को पड़ रहा है। इस भाई बहन के प्यार भरे त्योहार को बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। भाई दूज का त्योहार भी बहन और भाई के प्यार का प्रतीक होता है। ये त्योहार रक्षाबंधन की तरह ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस दिन राखी नहीं बांधी जाती, बल्कि बहनें सिर्फ अपने भाइयों का तिलक करती हैं और आरती उतारती हैं। साथ ही भाई को देखते ही यमुना बहुत ज्यादा हर्षित हुई और भाई का स्वागत सत्कार किया। यमुना के प्रेम भरा भोजन ग्रहण करने के बाद प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से कुछ मांगने को कहा। यमुना ने उनसे मांगा कि आप प्रति वर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे और इस दिन जो भाई अपनी बहन से मिलेगा और बहन और भाई को टीका करके भोजन कराएगी, उसे आपका डर न रहेगा। यमराज ने यमुना की बात मानते हुए तथास्तु कहा और यमलोक चले गए। उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। ये काफी लंबे समय से चला रहा है। इसमें भाई बहन का प्यार देखते ही बनता है। बहन अपने भाई को इस दिन बहुत ही शुभ मन से पूजा करती है। साथ ही उसकी कलाई पर कलावा बांधकर उसकी पूजा करने के बाद उसकी लंबी उम्र की कामना भी करती है। आइए आज हम आपको बताते हैं अपनी इस वीडियो में कि भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त 1:10 है और यही मुहूर्त समाप्त होगा 3:27 पर, यानी कि पूरे मुहूर्त की अवधि 2:17 की है। तो आप इस शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा करेंगे तो आपके भाई को बहुत ज्यादा शुभ रहेगी। साथ ही साथ ये भाइयों के लिए, उसकी बहन के लिए भी काफी ज्यादा शुभ होगी। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।